नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथन मैजिक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शिवेंद्र कुमार। दोस्तों एक वीडियो डाले थे मेरा घर, उस घर को देखकर अभी लोग बोले कि जरा गांव का भी दर्शन करिए, गांव कैसा लगता है, ताकि हमें भी अच्छा लगे गांव घूम करके और गांव की फीलिंग आए। तो चलिए आज अपना गाँव हम लोग घूमते हैं। चलिए हेलमेट लगा लेते हैं और इसी बाइक से चलेंगे। HF डीलक्स है। अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो चलिए सबसे पहले अब चलते हैं चौक पर। Seeing all the reasons we should forget about this place. I don't wanna leave here if you're just gonna stay. तो ये आ गए हम चौक पर। ओह, अब हटा लेते हैं हेलमेट। इस तरह से होता है गांव का माहौल, जहाँ लोग चाय पीने आते हैं तो 10 बजे तक बैठते हैं और शहर में लोग जाते हैं तो चाय का गिलास ख़त्म हुआ और चल दिए। यह है बाबा जी का दुकान, यहीं पर लोग सब बैठे हुए हैं। कुछ आइए बुजुर्गों से मिलाते हैं, सब लोग बैठकर गप करते रहते हैं अपना। हाय करूँ ना बाबा इसे, हाय करूँ ना, हाय करूँ ना, हाय ना। तो ये बाबा है और ये चाचा ही लेंगे। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इधर चाय बना रहे हैं बाबा जी अपना, बड़ा अच्छा चाय बनाता है। तो चलिए अब चौक घूम लिए, चलते हैं अब गांव घूमने। ये बच्चा पढ़ कर निकल रहा है, सब पढ़े सब बढ़े। इसी तरह से सब मनोरंजन करते रहते हैं, सुबह सुबह का समय रहता है, बड़ा अच्छा लगते रहता है। रोड खाली है क्योंकि बच्चे लोग अभी पढ़ने गए हुए ट्यूशन। इस तरह से कुछ गोटा चिपरी भी साइड में है जो आप देख रहे हैं। अब देखिए दूध नापने जा रहा है। इस तरह से और भी आगे चलते हैं। इस गांव में दो चौक है, जैसे कि छोटा छोटा है, मतलब एक ही दो दुकान रहता है वहां पर। फाइनली अब वहां आ गए हैं जो गांव का सेकेंड चौक है। यहां पर कुछ बड़े बुजुर्ग से मिलवा देते हैं आपको। देखिए यही होता है गांव का जीवन, जहां सभी लोग बैठ करके सुबह सुबह बैठ कर मनोरंजन करते रहते हैं एक दूसरे से बातचीत करके। तो चलिए अब थोड़ा दूर और बच गया है गांव, वह भी घूम लेते हैं और कुछ खेतों का दर्शन कीजिए। किसी ने सच ही कहा है कि ये धरती और ये आसमां यहीं का यहीं रह जाएगा और हम लोग कहाँ चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। दक्षिण की तरफ से रोड आती है और एंट्री करते हुए मंदिर से गुजरते हुए चले जाते हैं गांव के तरफ ऐसे। और आइए एक चीज़ दिखाते हैं, झंडा लगता है जैसे हनुमान जी का, जो कि छठ के समय में लगाया जाता है, उस समय चमकता हुआ रहता है, सब कागज़ का बनता है। और यहाँ ये मिट्टी का घोड़ा बना दिया जाता है कि रथ चला रहे हैं और पीछे भगवान जी सब की मूर्ति है और इस तरह से यह बनकर तैयार हो जाता है झंडा। मेला लगता है छठ के समय में। यदि गांव के उत्तर से आते हैं तो मंदिर नहीं है, नदी है। यह नदी में पानी ऐसे चलता हुआ नहीं रहता है। तो दोस्तों यही था अपना गांव, आशा करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा और गांव की थोड़ी सी फीलिंग आपको आ गई होगी, कैसा रहन सहन होता है गाँव में और कैसे रहते हैं लोग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।